ये कहानी है हजारों साल से छुपे ड्रैगन की, जिसकी 5 साल के बच्चे से दोस्ती होने पर ड्रैगन दुनिया की नजरों में आ जाता है। फिर उसके बाद ड्रैगन के साथ क्या हुआ, चलिए देखते हैं। ये प्यारी सी फैमिली घूमने जा रही थी, तभी अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बच्चे के पेरेंट्स की मौत हो जाती है। जंगल के भेड़िया बच्चे को मारने वाले थे, तभी एक ड्रैगन आकर बच्चे की जान बचाकर बच्चे को अपने साथ ले जाता है। कई सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि लैंप मोहल्ले के बच्चों को ड्रैगन की कहानियां सुना रहा था कि मैंने ड्रैगन को देखा है, पर इसकी बेटी ग्रेस जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर है उसे पिता की बातों पर भरोसा नहीं होता। पीट अब बड़ा हो चुका है और जंगल को ही अपना घर मानता है। पीट ड्रैगन के साथ खेलता है और उसी के साथ गुफा में रहता है। पीट एक दिन देखता है कि कुछ लोग जंगल में पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। पीट पहली बार इतने लोगों को देखकर बहुत हैरान होता है। ठेकेदार की बेटी नेड पीट को देख लेती है तो उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है। नेड का पिता उसे खोजते हुए वहां आ जाता है। पीट यहां से भागने की कोशिश करता है पर गेविन इसे पकड़ लेता है जिसमें उसे चोट लग जाती है। इधर ड्रैगन जंगल में पीट को खोज रहा था। ड्रैगन के वजन से एक पेड़ टूटकर गिर जाता है, इसलिए जैक जंगल में उस बड़ी सी चीज को खोजने लगता है। बदकिस्मती से जैक को ड्रैगन की गुफा में पीट की डायरी मिल जाती है। इतने में ड्रैगन वहां आ जाता है तो सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं क्योंकि ड्रैगन किसी को चोट नहीं पहुंचाता। इधर पीट को हॉस्पिटल में होश आता है तो घबराकर भाग जाता है। ग्रेस पीट को पुलिस की मदद से ढूंढकर घर ले आती है। पुलिस पुरानी फाइलों से पीट की मरी हुए फैमिली के बारे में ग्रेस को बताती है। पीट इनको ड्रैगन दोस्त के बारे में बताता है पर ये लोग समझ नहीं पाते। फिर एक दिन पीट ड्रैगन की पेंटिंग बना देता है। ग्रेस समझ जाती कि ये तो ड्रैगन है। इधर ड्रैगन रात में पीट को खोजते समय शिकारी की कार का पीछा करता है और किस्मत से वो ग्रेस के घर ही आता है क्योंकि ग्रेस उसकी भाभी थी। ड्रैगन यहाँ पीट को खुश देखकर दुखी मन से जंगल में लौट जाता है। ग्रेस अपने पिता को पीट की पेंटिंग दिखाती है, इसलिए अगले दिन ये सभी पीट के साथ जंगल पहुंच जाते हैं। पीट गुफा में जाता है और ड्रैगन को गुफा से बाहर लाता है, जिसे देखकर ये सभी बहुत खुश होते हैं। तभी अचानक से गेविन ड्रैगन पर हमला कर देता है। लैंप जैक को रोकने की कोशिश करता है पर वो किसी की नहीं सुनता। गेविन ड्रैगन को बेहोश करके पकड़ लेता है। पीट ग्रेस से कहता है कि तुमने मुझे धोखा देकर मेरे दोस्त को किडनैप कर लिया है। गेविन ड्रैगन को अपने घर ले आता है और गैराज में बंद कर देता है। लैंप गेविन से ड्रैगन को आजाद करने के लिए कहता है पर गेविन ड्रैगन के जरिए फेमस होना चाहता था, इसलिए उसे छोड़ने से मना कर देता है। ग्रेस पीट से कहती है कि मैं ड्रैगन को कुछ नहीं होने दूंगी। पुलिस भी यहां खबर मिलने पर पहुंच जाती है। पीट चुपके से गैराज के अंदर आ जाता है। नेड गैराज का गेट बंद कर देती है और पीट ड्रैगन को जंजीरों से आजाद कर देता है। गेविन के लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं पर अंदर ड्रैगन नहीं मिलता। ग्रेस को महसूस होता है कि ड्रैगन यही है, इसलिए गेट बंद करके चली जाती है। ग्रेस अपने पति से ड्रैगन की मदद करने के लिए कहती है। इतने में लैंप यहां आ जाता है और ड्रैगन को लेकर भाग जाता है। सभी लोग ड्रैगन को दोबारा पकड़ने के लिए पीछा करते हैं। पीट ड्रैगन को उड़ने के लिए कहता है पर ड्रैगन बेहोशी की दवा के असर से उड़ नहीं पा रहा था। ट्रक के ब्रेक फेल हो जाने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रक खराब हो जाता है। ड्रैगन शिकारियों को रोकने के लिए ब्रिज को जलाकर तोड़ देता है। कार में जैक और ग्रेस थी, इसलिए पीट ड्रैगन को रोक लेता है। दोनों कार से नीचे गिरने लगते हैं तो ड्रैगन कार को पकड़ लेता पर ब्रिज के टूटने से तीनों नीचे गिर जाते हैं, लेकिन ड्रैगन दोनों को जिंदा बचा लेता है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इतने में पुलिस के हेलीकॉप्टर यहां आ जाते हैं तो पीट ड्रैगन के साथ जंगल में भाग जाता है। पीट कहता है वो तुम्हें फिर से ढूंढने आएंगे, तो ड्रैगन कहता है कि मैं गायब हो जाऊंगा, तो पीट कहता है पर मैं गायब नहीं हो सकता। ड्रैगन बहुत दुखी होता है और पीट को जैक की फैमिली के साथ रहने के लिए मना लेता है। ड्रैगन पीट को ग्रेस के घर पर छोड़कर यहां से चला जाता है। कई सालों का समय बीतने के बाद एक दिन पीट अपनी परिवार के साथ पहाड़ पर जाकर ड्रैगन को आवाज लगाता है, जिसे सुनकर ड्रैगन वहां आ जाता है। इस बार ड्रैगन के साथ उसकी फैमिली भी थी। दोस्तों, यदि आपको मूवी की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। यदि आप किसी मूवी की शॉर्ट समरी चाहते हैं तो मूवी का नाम कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।